हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम ऑरेंज या संतरे से बहुत ही टेस्टी और न्यू रेसिपी बनाएंगे। और इसके लिए हम ऑरेंज लेंगे और यहाँ मैंने एक ऑरेंज ली हूँ। और अब हम एक इस तरीके से प्लेट लेंगे और एक इस तरीके का ग्रेटर या कद्दूकस करने वाला लेंगे। और अब हम ऑरेंज के ऊपर वाले छिलके को इस तरीके से ग्रेटर से कद्दूकस कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं ऑरेंज को अच्छे से घुमा घुमा करके इसके ऊपर वाले संतरे के छिलके को अच्छे से घिस लेंगे। और इस तरीके का इसका ऑरेंज जेस को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और हम फिर से ऑरेंज को सेम तरीके से घुमा करके संतरे वाले छिलके को इस तरीके से हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरीके से हम सिर्फ ऑरेंज वाले ही पार्ट को इस तरीके से ग्रेट करेंगे। वाइट वाले पार्ट को हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि उसका फ्लेवर कड़वा होता है और संतरे के ऑरेंज वाले छिलके में बहुत ही अच्छा संतरे का फ्लेवर होता है। और अब हम एक इस तरीके का बर्तन लेंगे और इसमें हाफ कटोरी दही डालेंगे और आधे कटोरी से थोड़ा सा कम हम इसमें तेल डालेंगे। यहाँ मैंने अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल का यूज़ की हूँ। और अब हम इसमें एक कटोरी भर के पिसी हुई चीनी डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को हम विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा सारा का सारा इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे 25 से 30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और हमारे गीले बैटर में बहुत ही बढ़िया शाइन आ गई है। तो अब हम विस्कर को साइड में रखेंगे और अब हम सेम बर्तन में ही एक इस तरीके का छन्नी लेंगे और यहाँ हम इसमें डेढ़ कटोरी मैदा ऐड करेंगे। आप कोई कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट कर ले। मैदे में एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से छान लेंगे। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो मैदा को छान के यूज़ करें, जिससे आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनेगी। और अब हम विस्कर से एक बार फिर से मैदे को गीले बैटर में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे 20 से 25 सेकंड के लिए फिर से एक बार मिक्स कर ली हूँ। बैटर को हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। बैटर में 5 से 6 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने दो संतरे को अच्छे से छील करके इसका पल्प और रस को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर ली हूँ और इसे अच्छे से छान ली हूँ। और आप देख सकते हैं हमारा फ्रेश संतरे का जूस बिल्कुल बाजार जैसा तैयार हो गया है। और अब हम इसे आधा बैटर में डालेंगे और इसे एक बार फिर से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर में ऑरेंज जूस बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम बचे हुए ऑरेंज जूस को हम फिर एक बार बैटर में डालेंगे और इस तरीके से हम सारे जूस को बैटर में डाल लेंगे। और आप ऑरेंज जूस बनाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें एक भी संतरे का बीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ऑरेंज जूस कड़वा हो जाएगा और केक भी हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और यहाँ मैंने बैटर को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गई है। आप इसमें और बढ़िया ऑरेंज कलर लाने के लिए ऑरेंज कलर फूड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अब हम इस टाइम पे इसमें ऑरेंज के ग्रेट किए हुए छिलके ऐड करेंगे। और अब हम बैटर को एक बार फिर से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे ऑरेंज का बहुत ही बढ़िया छिलके से बैटर में फ्लेवर आएगी। और हमें इसमें दूध कंडेंस मिल्क की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अब हम एक इस तरीके का रेक्टेंगल साइज का यहाँ मैं केक टिन ली हूँ और अब हम
बैटर को इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने इसे पहले से ही अच्छे से बटर पेपर लगा करके इसे ग्रीस कर लिया है, जिससे बैटर हमारा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और अब हम इसमें बैटर डाल करके इसे अच्छे से एक से दो बार टैप कर लेंगे, जिससे बैटर में अंदर का एक्स्ट्रा एयर बाहर निकल आएगी। और बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ मैंने सारे कलर के टूटी फ्रूटी ऐड की हूँ, आपके पास हो तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। टूटी फ्रूटी से इसका कलर और ज़्यादा बढ़िया आएगा। और अब हम एक इस तरीके से कुकर लेंगे और इसके अंदर यहाँ मैंने प्लेट पहले से ही डाल रखी हूँ। और अब हम केक बेक करने के लिए इसके अंदर केक टिन को डालेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब हम कुकर को गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुकर को हम अच्छे से हीट होने देंगे। और उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बेक होने देंगे। और आप देख सकते हैं केक को बेक होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। हम केक को एक बार चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। और हम इस तरीके से नाइफ़ डालकर इसे चेक कर लेंगे, नाइफ़ हमारा क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि केक हमारी अच्छे से बेक हो गई है। और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ केक हमारी ठंडी हो गई है। हम इसे इस तरीके से पलट करके प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे। और अब हम इसके साइड से बटर पेपर को इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। और आप देख सकते हैं केक से बटर पेपर इजीली रिमूव हो रही है। तो सेम तरीके से आप भी इस ऑरेंज सीजन में सिर्फ ऑरेंज ना खा करके इस तरीके से एक बार केक ज़रूर बनाएं। गारंटी है कि आपके घर में बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार हुई है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। तो इस केक की रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने केक के पतले पतले स्लाइस में कट कर ली हूँ। और अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कि केक हमारा कितना ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट बना है। बाज़ार में बहुत ही बढ़िया और फ्रेश संतरे आ रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक और एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में।